ये आप लोगों का बहुत ही मेन क्वेश्चंस में आ जाता है। कुछ कंसल्टेंट्स आपको ये भी कहेंगे कि आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर में नो बोलें। उसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। जो जो मेरे सब्सक्राइबर मुस्लिम हैं उनको अल्लाह ताला आप लोगों को रमज़ान की रहमतें और बरकतें समेटने की तौफीक दे। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम हम लोग रमज़ान गुजारेंगे यहाँ पे यूके में। सो बहुत से एक्सपीरियंसेस ऑफ कोर्स डिफरेंट होने वाले हैं हमारे यहाँ पे, लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह उम्मीद है अच्छा गुजरेगा। तो आज का मेरी वीडियो का टॉपिक है क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन यूके। बेसिकली मेरी यूनिवर्सिटी थी यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर, लेकिन अगर एक्चुअली क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू की बात करें तो क्वेश्चंस मोर और लेस तमाम यूनिवर्सिटीज़ के सेम ही होते हैं, लेकिन थोड़े से प्रोसीजर डिफरेंट हो सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ का इंटरव्यू कॉल पर होता है, ऑडियो कॉल पर, कुछ यूनिवर्सिटीज़ का इंटरव्यू वीडियो कॉल पर होता है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन बाकी मोर और लेस तमाम यूनिवर्सिटीज़ के प्रोसीजर सेम ही रहते हैं। तो अब बात करते हैं कि आप लोगों से क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू में और आप लोगों ने उनके आंसर्स किस किस तरह देने हैं। तो क्वेश्चंस जो आप लोगों से हो सकते हैं, सबसे पहले आप लोगों को क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू में पूछा जाएगा आपका नेम, उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ और ईमेल। ये चीज़ें तो आप सबसे ही पूछी जाएंगी ऑलमोस्ट एवरी पर्सन, क्योंकि ये तो आपकी बेसिक डिटेल्स हैं, तो वो हर किसी से ही पूछी जानी है। और उसके बाद आ जाएगा आप लोगों का कोर्स, कि आपसे पूछेंगे कि आप लोगों ने किस कोर्स में अप्लाई किया है, तो आप लोगों ने उन लोगों को अपना कोर्स बता देना कि जी मैंने इस कोर्स में अप्लाई किया है। उसके बाद आप लोगों से ये क्वेश्चन हो सकता है कि आप लोगों का एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, मतलब आप लोगों ने पहले बैचलर्स किया है, मास्टर्स किया, जो भी आप लोगों ने अपनी लास्ट डिग्री की है वो आप लोगों ने उन लोगों को बता देनी है कि जी मैंने इस ईयर में ये डिग्री अपनी की थी कम्प्लीट। और जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर का प्रोसीजर है, तो वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से करते हैं मोस्टली कि आप लोगों ने 16 ईयर एज के बाद कौन कौन सी डिग्रीज ली हैं, तो आप लोग उनको बता सकते हैं कि आफ्टर द एज ऑफ 16 मैंने इस ईयर में मैट्रिक किया, इस ईयर में इंटरमीडिएट अपना एग्जाम दिया, इंटरमीडिएट पास किया, और इस पर्टिकुलर ईयर में मैंने जो है वो अपनी यूनिवर्सिटी बैचलर्स कंप्लीट किया। तो इस तरीके से आप लोगों ने इसका आंसर करना है। उसके बाद अगर आप लोगों का स्टडी गैप है, तो आप लोगों से ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि जब आपने अपनी लास्ट डिग्री कंप्लीट की उसके बाद आप लोग अभी तक क्या कर रहे थे, तो आप लोगों ने अपने उस गैप को लाजमी फिल करना है और अपना रेलेवेंट एक्सपीरियंस शो करना है, जो आप लोगों ने जो डिग्री आप लोगों ने चूज़ किया उससे कुछ रेलेवेंट एक्सपीरियंस आप लोगों ने अपना शो करना है कि इन सालों के अंदर मैंने ये काम किया है। उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों से होने वाला है कि व्हाई यू हैव सेलेक्टेड दिस कोर्स। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये आप लोगों का बहुत ही मेन क्वेश्चंस में आ जाता है, क्योंकि आप लोग इसमें अपने गोल्स बताते हैं कि आप लोगों के ये कोर्स सेलेक्ट करने के पीछे क्या गोल्स हैं। तो आप लोग अगर आप लोगों का पिछली डिग्री यानी आप लोगों का बैचलर्स या जो भी आप लोगों ने लास्ट डिग्री किया वो इससे रेलेवेंट है, तो आप लोग ये बता सकते हैं कि मैंने अपनी लास्ट डिग्री इंजीनियरिंग में या मैनेजमेंट में ली, तो आप लोग ये बता सकते हैं कि मैं अपनी एजुकेशन को आगे इन्हांस करने के लिए मैंने आगे ये कोर्स सेलेक्ट किया। और अगर आप लोगों की लास्ट डिग्री इससे रेलेवेंट नहीं है जो अभी आप लोग कोर्स सेलेक्ट कर रहे हैं, तो आप लोग ये बता सकते हैं कि मेरा जॉब एक्सपीरियंस जो है वो इससे रेलेवेंट था और मैं चाहता था कि मुझे आगे इसमें ज़्यादा एक्सपीरियंस मिले और नॉलेज को इन्हांस करने का मौका मिले, इसलिए मैंने ये कोर्स सेलेक्ट किया। अच्छा जी, तो अब आ जाता है नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आप लोगों ने ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की। तो आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर में ये जवाब दे सकते हैं कि जो मॉड्यूल्स आप लोगों को इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में देखने को मिले वो आप लोगों को दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं मिले, तो आप लोगों को ये मॉड्यूल्स बहुत ज़्यादा पसंद आए, इसमें आप लोग मॉड्यूल्स को डिस्कस करें। उसके अलावा आप लोग यूनिवर्सिटी की रैंकिंग के बारे में बता सकते हैं और ये बता सकते हैं कि आप लोगों की यूनिवर्सिटी की ये अचीवमेंट्स हैं जिसकी वजह से आप लोगों ने यूनिवर्सिटी चूज़ की। उसके बाद आप लोगों से ये क्वेश्चन हो सकता है कि आप लोगों ने यूके ही क्यों चूज किया, व्हाई यू चोज टू स्टडी इन यूके। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कुछ इस तरीके से दे सकते हैं कि यूके की मास्टर्स डिग्री 1 ईयर की है, और जबकि और कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया कनाडा इनकी मास्टर्स डिग्री 2 ईयर की है, तो आप लोगों ने इसलिए यूके को सेलेक्ट किया। उसके अलावा आप लोग ये डिस्कस कर सकते हैं, वेदर कंडीशंस के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोग ये डिस्कस कर सकते हैं कि यूके का एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड का बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है, और आप लोग ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि यूके जो है वो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है और आप लोगों की प्रीवियस एजुकेशन भी इंग्लिश में ही रही और आप लोग इंग्लिश को अच्छे तरीके से समझते हैं, इसलिए आप लोगों ने यूके को सेलेक्ट किया। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से होगा कि आप लोगों के साथ कोई डिपेंडेंट्स आ रहे हैं या नहीं। अब इस क्वेश्चन के आंसर में लोगों की राय वेरी कर सकती है। कुछ कंसल्टेंट्स आपको ये भी कहेंगे कि आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर में नो बोलें, आप लोग ये ना बताएं कि आप लोग के साथ डिपेंडेंट्स आ रहे हैं। तो
बेसिकली मेरे सामने बहुत से एक्सपीरियंस है। मेरी फ्रेंड ने अपने डिपेंडेंट्स के बारे में बताया था, उसके कंसल्टेंट के कहने के बावजूद भी उसने अपने डिपेंडेंट्स के बारे में बता दिया था। तो बेसिकली बात कुछ ऐसी है कि बताना मसला नहीं है, अगर आप लोग बता देते हैं तो भी कोई मसला नहीं है। प्रॉब्लम ये होता है कि आप उसको जस्टिफाई कर सको। अब बात ये होगी कि जब आप लोग उनको बताएंगे कि आप अपने डिपेंडेंट्स को साथ लेके आ रहे हैं, तो आपको उस चीज़ को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आप लोग उनके रहने का इंतज़ाम क्या कर रहे हैं, आप लोगों के पास उनके इनफ एक्सपेंसेस हैं या नहीं, आपके पास इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप उन लोगों को अच्छे तरीके से चीज़ों को जस्टिफाई कर सको। तो अगर आप लोगों को लगता है कि आप उनको अच्छे तरीके से जस्टिफाई नहीं कर सकते हो, तो फिर बेशक आप लोग ना बताओ, लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि आप उन लोगों को जस्टिफाई कर सकते हो तो दैट इज़ ओके। तो उसके बाद आप लोगों से एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि आप लोग यूके में आके कहाँ रहने वाले हैं, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप लोग कहाँ रहने वाले हैं। अगर आप लोगों ने कोई अकोमोडेशन बुक किया हुआ है तो आप लोग उसके बारे में भी बता सकते हैं, लेकिन मोस्टली कंसल्टेंट्स आप लोगों को यही कहते हैं कि आप लोग उन लोगों को ये बोलें कि आप यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन में रहने वाले हैं। अगर आप लोग यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रही है तो आप लोग ये भी बोल सकते हैं। अदर देन दैट आप लोग कोई अकोमोडेशन बुक करके या अपने किसी फ्रेंड के अकोमोडेशन के एड्रेस के बारे में उनको बता के आप लोग उनको इस आंसर में सेटिस्फाई कर सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों से होने वाला है वो ये है कि आप लोगों का फाइनेंशियल स्पॉन्सर कौन है। तो आप लोग ये बता सकते हैं कि आप लोग के फादर आप लोगों को स्पॉन्सर कर रहे हैं, जो भी आप लोगों को स्पॉन्सर कर रहे हैं आप लोग उनके बारे में बता सकते हैं। तो आप लोगों से ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि आपके जो फाइनेंशियल स्पॉन्सर है वो उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है। तो आप लोगों को वो अच्छे तरीके से उसका आंसर देना है कि वो इतना इनफ होना चाहिए कि आपको कि वो एक्सपेंसिस को आराम से बर्दाश्त कर सके, लाइक कोई बिजनेस है या जो भी है, आप उसके बारे में अच्छे तरीके से। मेन चीज़ ये है कि आप लोगों को कहीं पे भी कंफ्यूज नहीं करना, जो जिस क्वेश्चन का भी आंसर देना है कॉन्फिडेंटली देना है। उसके अलावा आप लोगों से ये क्वेश्चन होगा कि आप लोगों की मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है, उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आप लोगों ने उनको वन मंथ की मेंटेनेंस कॉस्ट भी अलग करके बता देनी है कि वन मंथ की मेंटेनेंस कॉस्ट ये है। इसके अलावा नाइन मंथ्स की बतानी होती है, तो नाइन मंथ्स की आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट ये है, और उसके बाद उसमें आप लोगों की जो रिमेनिंग फी है जो आप लोगों ने पे किया उसके बाद जो रिमेनिंग रह जाती है वो उसमें ऐड करके और आप लोगों ने उनको अपनी मेंटेनेंस कॉस्ट बतानी है। अब ये डिफरेंट सिटीज़ के अंदर थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, लाइक थोड़े लंदन के करीब आओ तो आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा होगी, और अगर आप दूसरे थोड़ा दूर जाते जाएंगे तो आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ी कम हो जाएगी। तो इसलिए ये आप लोग अपने कोर्स के मुताबिक जो है वो देख लें कि आप लोग कोर्स और एरिया के मुताबिक अपनी एग्जैक्ट फिगर्स देख लें। एक और क्वेश्चन जो आप लोगों से हो सकता है वो ये है कि आप लोगों के कोई वीज़ा रिफ्यूज़ल्स हैं या नहीं। तो मेरा यही ओपिनियन है कि आप लोग किसी भी बात में उन लोगों से झूठ ना बोलें, क्योंकि अगर आप लोग झूठ बोलते हैं और उसके बाद वो झूठ पकड़ा जाता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस ज़्यादा बुरे हो सकते हैं। इसलिए आप लोग हर बात में जो भी बात है उनको क्लियर बता देनी चाहिए, तो दैट विल बी गुड फॉर यू। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे जो आप लोगों से क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू में हो सकते हैं। उसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देना चाहूँगी जिससे आप लोग अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। वो ये है कि आप लोग अपने सारे क्वेश्चंस नोट डाउन कर लें और उसका एक डॉक्यूमेंट बना लें। मुझे एक शीट प्रोवाइड की थी मेरे कंसल्टेंट ने, उसको सारा मैंने अपने मुताबिक एडिट कर लिया था। मैं आपको एक और टिप देना चाहूँगी कि आप लोग अपने किसी फ्रेंड के साथ, या मेरे तो कंसल्टेंट ने भी मेरे से 2-3 दफ़ा मॉकअप टेस्ट लिया था, लेकिन अगर ऐसा नहीं भी है तो आप लोग अपने किसी फ्रेंड के साथ या अपने किसी फैमिली मेंबर के साथ आप लोग एक दो मॉकअप इंटरव्यू कर सकते हैं। वो आप लोग उसे क्वेश्चन पूछें कॉल करके उसी तरीके से जिस तरह से आप लोगों का इंटरव्यू होना है, तो उससे ये होगा कि आप लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी हो जाएगी और आप लोगों का कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाएगा। इसके साथ ही करते हैं वीडियो को ख़त्म। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।